जय हिंद सभी को। देखिए, हम तो अपने ग्रुप ऑल इंडिया SSCGD के टेलीग्राम ग्रुप के सभी मेंबर को कहना चाहते हैं कि आप लोग सबसे अच्छा एक काम कीजिए, यूट्यूब चैनल बनाइए और SSCGD का कटअप बताना शुरू कर दीजिए। सब कोई कोई 20 नंबर बोलिए, कोई 30 नंबर बोलिए, कोई 120 नंबर बोलिए, क्या कि आजकल यूट्यूब पर यही चल रहा है। और कहीं अगर कुछ दिक्कत हो जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट करने में, तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। समझे कि नहीं? क्योंकि पूरा यूट्यूब पर अभी कटअप ही आपको मिलेगा सब जगह। हाँ, तो हम दूसरा बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो आप लोग का आंसर की दिसंबर में ही आएगा। एग्जाम जब ख़त्म होगा उसके 15 दिन 10 दिन के अंदर, 10 दिन नहीं 15 दिन के अंदर आंसर की आ जाता है। तो दिसंबर के लास्ट तक आंसर की आपका आ जाएगा। आप उसे मिलान कर लीजिएगा कि आपका कितना नंबर सही है, क्या आपका कटअप बन पाएगा कि नहीं, उसी समय पता चल जाएगा। कंपटीशन का इस बार अगर बात करें, शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में खींचने का प्रयास करते हैं। कोई वो हम नहीं बोलते हैं घंटा दबाओ घंटी दबाओ, समझाए कि नहीं। साधारण सा शॉर्ट में समझिए कि 2018 में और 2021 में यही अंतर है। सबसे बड़ा आप जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का, और ये नेगेटिव मार्किंग तहलका मचा दिया। मतलब ये समझिए, अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो कटअप 100 से पार भी कर सकता था मेरे अनुसार। तो ये बहुत बड़ा जान बचा दिया। किन स्टूडेंट का जान बचाया? जो कि स्टडी करने वाले स्टूडेंट थे उसका जान बचा दिया। हाँ, मानते हैं कि 25,271 सीट है, लेकिन उसके बाद भी हम ऐसा बहुत सारा, आपको हम बार बार बता रहे हैं, ऐसा बहुत सारा वैकेंसी है जिसका उदाहरण में देखा गया कि सीट बहुत था और नेगेटिव मार्किंग नहीं था, उसके बाद कटअप हाई चल जाता था, लेकिन सीट उसका आधा भी था, नेगेटिव मार्किंग कर दिया तो भी कटअप कम गया। ठीक है, सब नेगेटिव मार्किंग का कमाल है। और कंपटीशन, कंपटीशन तो वास्तव में कुछ नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। सब कोई बोलता है कि कंपटीशन है कंपटीशन, अभी नहीं पता है। अभी जब आंसर किया आएगा ना रिजल्ट के समय, और नहीं नहीं रिजल्ट जब आएगा उस समय देखिएगा, उसमें आपको बताया जाता है कि कितना स्टूडेंट प्रेजेंट थे, एबसेंट थे। उस समय आपको पता चलेगा कि इतना सारा स्टूडेंट एबसेंट था, आपको खुद पता चल जाएगा। और जितना आदमी गया था एग्जाम देने, क्या लगता है सब महान था पढ़ने लिखने वाला? ऐसा नहीं होता है। हाँ, फिजिकल विजिकल का जो हम बात बोल रहे थे कल के वीडियो में कि फरवरी से चालू रखिए, ऐसा हम क्यों बोलें? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि फिजिकल मार्च में हो या अप्रैल में हो और आपको तुरंत हम बताएं मार्च अप्रैल में कि चलिए आप फिजिकल करना शुरू कर दीजिए और आप करने लगे। हम चाहते हैं कि आप पहले से जो है तैयार का होकर रहें। इसलिए मेरा ये काम है, काम नहीं है, आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हैं, इसलिए बता देते हैं कि आप लोग फिजिकल जारी रखिए। फिजिकल से क्या दिक्कत है ये बताइए आप लोग को। और देखिए, सेप स्कोर वाला जो सिस्टम चल रहा है अभी, हम हर जगह देख रहे हैं। और सेप स्कोर साधारण से ये समझिए कि अभी इसमें बता दें आपको कैसे, अच्छा हमको उसमें निकालने दीजिए, उस पर उसके बाद हम फिर बताएंगे। देखिए, ये जो है 3 डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, जनरल, नक्सल और बॉर्डर। सबसे अधिक कटअप जाता है जनरल वालों का, उसके बाद नक्सल वालों का, उसके बाद बॉर्डर वालों का। बॉर्डर वाले का कटअप सबसे कम जाता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें नक्सल डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तीनों एरिया है। बहुत डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ जनरल और बॉर्डर है, और बहुत डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ जनरल है। तो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये सब बताने से क्या होता है, जब कटअप का एनालिसिस किया जाता है विशेष रूप से कि किसमें कितना जाएगा, तब पता चलता है। अभी यूट्यूब पे क्या चलता है, अभी पता है यूट्यूब पे कैसे कटअप बताता है? इस प्रकार से लिख देगा, बिहार कितना नंबर, 65 नंबर, और यूपी कितना नंबर, 70 नंबर। ये हो गया सेफ स्कोर। अब बताइए, वो नहीं इसमें बताता है कि भाई इसमें कौन कौन कैटेगरी शामिल है या किस डिस्ट्रिक्ट एरिया का तुम कटअप बता रहे हो, कुछ नहीं बताता है, क्योंकि उसका जानकारी है ही नहीं। नक्सल का बताता है कि जनरल का कि बॉर्डर का, कैटेगरी में EWS, SC, ST, OBC, जनरल, कुछ नहीं, सिर्फ सेफ स्कोर। देख लीजिए, आप लोग भी देख करके खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम इस सब के बारे में बहुत डिटेल से बता चुके हैं कि कैसे कैसे क्वालिफाई करता है। देखिए, PDF जो है, आप लोग देख रहे हैं PDF, ये जिस प्रकार से, मान लीजिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया का है, नक्सल अफेक्टेड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, मतलब ये हो गया आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का। और ये वाला जो आप PDF देख रहे हैं इसमें, उसी में आता है ये आपका नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आ गया। तो इसमें सब सीट भी बताता है कि कहाँ से कितना सीट है, आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में हम बताए भी हैं। और समय मिलेगा ना तो फिर एक बार अच्छा से बताएंगे इस प्रकार से, जनरल बॉर्डर नक्सल कर करके अच्छा से कि किसमें क्या होता है, जो कि आप लोग को समझाने के लिए सिर्फ, या ऐसे समझिए आप लोग अपने मन से निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि 10 वीडियो देख लें यूट्यूब पर, सब कोई वही बोल रहा है, उसमें दिमाग ख़राब होगा और कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने से अच्छा है कि आप लोग अधिक आगे तैयारी कीजिए, ठीक है।
और ये हम कंपटीशन के बारे में क्यों बता रहे थे, कंपटीशन इस बार उस तरह है नहीं जिस तरह से हम लोग सोचे थे। हम लोग तो शुरू में सोचे थे बाप रे बाप सीट भी बहुत कम है और बच्चा भी बहुत अधिक है, लेकिन अभी जो प्रभाव देख रहे हैं इसका इफेक्ट कि बच्चा अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भाई कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, बात खत्म है। फिजिकल का तैयारी करना शुरू कीजिए और क्या बात बताएं, यही नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा कारण यही है। उसके बाद जैसे प्रक्रिया होगा, अच्छा देखिए अब ये हम बता देते हैं आपको इसके बारे में खुल करके, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जनरल डिस्ट्रिक्ट। हाँ एक थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग जानते होंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार से आप एक तो कमेंट कीजिएगा। देखिए किस प्रकार से, जैसे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं तो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में अपना स्टेट लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आप बिहार लिख दीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा खाली देखना चाहते हैं कमेंट में कि आप लोग जनरल से हैं कि बॉर्डर से हैं कि नक्सल से हैं, कैटेगरी नहीं पूछ रहे हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया पूछ रहे हैं एरिया। तो अगर आप लोग नहीं जानते तो नोटिफिकेशन वाला में जाकर देखिएगा, SSGD का जो नोटिफिकेशन आया उसमें पता चल जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट एरिया में आता है। ठीक है ना, तो चलिए, और अभी तो हम कुछ विशेष बात किए नहीं इसमें, सिर्फ आप लोग को यही बताए कि अगर आप लोग को समय मिल जाए तो एक यूट्यूब चैनल बनाइएगा और आप लोग भी कटअप बताइएगा, सबको बताइएगा, समझे। हम तो चाहते हैं सब कोई कटअप बताए, आजकल क्या बताएं, बच्चा पैदा होता है मोबाइल में यूट्यूब चैनल बना करके ही पैदा होता है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। देखिए आप लोग भी अगर चुतिया अकेडमी की तरह कुछ काम कर लें बड़ा होकर के, तो हम फिर अब कल बात कर पाएंगे। आज समय समय तो समय समय बोल के तो हम पागल हो गए यार, जब से यहाँ आया समय ही नहीं है। अच्छा चलिए हम फिर बाद में बात करते हैं, कल बात करेंगे फिर।